हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक इन डे टू ऑफ मार्केट एनालिसिस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हर दिन 2 से 3 स्टॉक्स देखेंगे फॉर टुमारो, और बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस करेंगे कि इस वीक के लिए क्या हमारा व्यू हो सकता है। सबसे पहला हमारे पास स्टॉक है, क्या है, कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले सपोर्ट का काम कर रहा था इस स्पेस पे, फिर एक दिन इसने गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस, फिफ्थ टाइम रेजिस्टेंस, सिक्स टाइम रेजिस्टेंस, सेवन टाइम रेजिस्टेंस, कंटिन्यूसली यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए जा रहा है। और आप यहाँ पे देखो कि एक बार इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन भी दिया, बट यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करके MW पैटर्न बना के यहाँ से वापस ऊपर आ गया। तो जैसे ही ये हमें जिस दिन यहाँ पे पहले 10 से या 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, या उसके बाद कभी भी 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, क्या दे देता है, क्लोजिंग दे देता है, हम इसके ऊपर एंटर कर सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके, और हमारा टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है हमारा, हम एंट्री कर रहे हैं 134 के आसपास, हमारा टारगेट हो सकता है 1750 या गैप फिलिंग टोटल टोटल पूरा। ओके, पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक है हमारे पास इन्फोसिस। अब आप इन्फोसिस देख सकते हो, इन्फोसिस क्या है यहाँ पे, ये देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, इस ट्रेंड लाइन से कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लेते हुए जा रहा है। और अगर ये कल यहाँ पे आके थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करके इसे ब्रेकआउट देता है, तो हम 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करके, हम 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करके इन्फोसिस में एंट्री कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब दूसरा है हमारे पास बजाज ऑटो। अब इसको हम पहले एक बिगर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि बिगर टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली ये क्या बना रहा है, एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है, एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। अगर कल क्या होता है, और यहाँ पे अब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 15 मिनट, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। जब भी कंसोलिडेशन होती है और उससे एक नया हाई बनता है, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक या ओरिजिन का नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक या ओरिजिन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो कल अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा और साइडवेज होकर नीचे यहाँ को आए और कोई भी रिजेक्शन कैंडल देगा, रिजेक्शन कैंडल ऐसे करके लाइटली बुलिश, या एक रेड कैंडल फिर एक ग्रीन कैंडल बुलिश इंगल्फिंग, कोई भी ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल स्मॉल एसएल का ट्रेड ले सकते हैं, स्मॉल एसएल का, और टारगेट यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ तक। आई होप तीनों स्टॉक क्लियर हो गए होंगे आपको। अब हम बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में चल गया रहा है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे तो सबको लग रहा है कि कुछ नहीं, पहले साइडवेज होके नीचे हुए आ रहा था, नीचे आ रहा था धीरे धीरे करके। मैं इसको आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहूंगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अच्छा, ये देखो मार्केट क्या होता है, मैं एक मार्केट की साइकोलॉजी बताता हूँ। मार्केट कभी भी एक मूव देता है, उसके बाद थोड़ा साइडवेज होता है। ये साइडवेज क्या होता है, ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है दूसरे मूव के लिए प्रिपेयर करने की। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। तो आप यहाँ पे देखो कि निफ्टी में क्या है, निफ्टी ने एक मूव दिया यहाँ से, और ये यहाँ पे एक मूव के लिए प्रिपेयर कर रहा है। किस मूव के लिए, इस मूव के लिए प्रिपेयर कर रहा है ऐसे करने के लिए। अब यहाँ कोई नहीं जानता कि कंसोलिडेशन फेस में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अक्यूमुलेशन हुआ है। तो हम इसका वेट करेंगे इसके हाई के ब्रेक होने का, और जिस दिन या उस दिन इसका हाई ब्रेक करेगा, उस दिन हमें एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, अभी यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकता है। मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं एक बैंक निफ्टी में एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा इसका। ये देखो एक अच्छा कंसोलिडेशन फेस, अच्छा कंसोलिडेशन फेस, और उसके बाद एक अच्छा मूव, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, या आप अपने आप को बुलिश सेंटीमेंट में डाल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बियरिश नहीं हो सकता, सेंटीमेंट कुछ भी हो सकता है। हम बस एक व्यू देख सकते हैं कि एक ऐसे था, एक पूरन फ्लैग का टाइप का पैटर्न बना रहा है और यहाँ से ऊपर चले जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। इस चैनल पे आपको डेली, आज से डेली आपको 3 to 4 स्टॉक और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस मिलेगा फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, एंड लेट अस नो इफ यू हैव एनी डाउट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।